हमने चैप्टर शुरू किया था नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन्स वगैरह। नर्वस सिस्टम हमने शुरू किया था। नर्वस सिस्टम जो है बेसिक इसकी यूनिट न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन के बारे में कल हमने पढ़ा था कि इसकी सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है। आज जो है हम ये इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कल ये न्यूरॉन्स होते कितनी किस्म के हैं, इन्हें कितने ग्रुपों में रखा गया है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ग्रुप्स में तरतीब देना, ग्रुप्स में रखना। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। द डिफरेंट न्यूरॉन्स इन द बॉडी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। कहते हैं कि न्यूरॉन्स को उनके फंक्शंस और स्ट्रक्चर के लिहाज से मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड हिस्टोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली। दूसरे लफ्जों में, न्यूरॉन को हिस्टोलॉजिकली के उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की है उस लिहाज से ग्रुप में तकसीम किया जाता है, और फिजियोलॉजिकली के वो काम कैसे करते हैं उस लिहाज से उनकी ग्रुपकारी की जाती है, उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स, इसमें कौन-कौन से ग्रुप शामिल हैं न्यूरॉन्स के। हिस्टोलॉजिकल मींस स्ट्रक्चर के लिहाज से हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन-कौन से ग्रुप शामिल हैं जी। नंबर वन है यूनिपोलर न्यूरॉन्स, नंबर टू है सीरो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, एंड नंबर थ्री है बाइपोलर न्यूरॉन्स, फिर है जी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन्स विदाउट एक्सॉन। तो ये चार टाइप्स जो हैं, ये इसकी हिस्टोलॉजिकली न्यूरॉन्स की वो बनाई गई है। सबसे पहले है यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनि मीन वन, पोलर मीन एंड, सिरा। ठीक है जी, यूनिपोलर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैज ओनली वन प्रोसेस विच फंक्शनली एन एक्सॉन। ये एक एक्सॉन के जरिए ही काम करते हैं। एक्सॉन फिर ये म्यूट रखें, नहीं करना पड़ेगा। जी, यूनिपोलर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैज ओनली वन प्रोसेस विच फंक्शनली एन एक्सॉन, कि इसमें एक एक्सॉन होता है। इन मैन दिस न्यूरॉन्स आर ओनली इन वन प्लेस, के एक जगह पे होते हैं। मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व्स। ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है सिर्फ उसमें ये न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। अच्छा जी, ये सिर्फ जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है ये सिर्फ वहां पे होते हैं। आगे जी, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स ये कौन से होते हैं। सीडो का मतलब होता है कि बिहेव करना, एक मतलब कॉपी करना, एक तरतीब से हट के शो करना, जैसे जोकर होता है वो नकलें उतार रहा होता है, कि ये असल का समझ लें कि ये नकल होता है। सिडोमीन नकल करना, कॉपी करना। यूनिपोलर न्यूरॉन्स के होते हैं वो पहले वाले, ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, तो ये भी यूनिपोलर होते हैं लेकिन ये एक तरह से उसकी नकल कर रहे होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स द एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम अ कॉमन स्टेम दैट डिवाइड्स इनटू टू प्रोसेसेस, वन एक्टिंग एज डेंड्राइट एंड अदर एज एक्सॉन। इनकी एग्जांपल है पोस्टीरियर स्पाइनल रूट गैंग्लिया के जो हैं। इसके अलावा ये स्किन जॉइंट और मसल्स में भी ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। इनकी डायग्राम देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह की इनकी डायग्राम बनती है कि हैं ये यूनिपोलर एक ही सिरे वाले हैं, लेकिन इसमें
जो एंड है ये इसमें एक्सॉन और डेंड्राइट्स ये दो तरह से काम कर रहे होते हैं। ये इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन सूटो यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, द एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम कॉमन स्टेम दैट डिवाइड्स इनटू टू प्रोसेसेस, जो दो उसमें प्रोसेसेस में तकसीम हो जाता है, वन एक्टिंग एज डेंड्राइट एंड द अदर एज एक्सॉन। एक जो है वो डेंड्राइट के तौर पे काम कर रहा होता है और दूसरा जो है एक्सॉन के तौर पे काम कर रहा होता है। एक ही प्रोसेस से ये एक ही जगह से निकल रहे होते हैं और आगे ये दो हिस्सों में तकसीम हो गए होते हैं। ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन की डायग्राम है और ये स्किन वगैरह में होते हैं, जॉइंट में, मसल्स में भी ये होते हैं। आगे है जी, बाइपोलर न्यूरॉन्स। इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन देयर इज वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। इसमें एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइट होता है, ईच अराइजिंग एट डिफरेंट साइड्स ऑफ सेल बॉडी। के ये सेल बॉडी के मुख्तलिफ साइडों से ये निकल रहे होते हैं, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के मुखालफ साइड में, एंड हैविंग द सेम साइज। और इनका साइज जो है डेंड्राइट का और एग्जाम का सेम होता है। इसकी कौन सी एग्जांपल्स हैं, रेटिना ऑफ द आई, ऑल्फैक्टरी, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इन एरियर। कि ये जो हमारा ईएनटी का सिस्टम है इसमें ये बाइपोलर टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, दीज न्यूरॉन्स हैव लार्ज नंबर ऑफ डेंड्राइट्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। के सेल बॉडी से कई डेंड्राइट्स जो निकल रहे होते हैं, ये डेंड्राइट्स में अराइज फ्रॉम वन पोल ऑफ द सेल बॉडी और मे अराइज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल बॉडी। के ये जो डेंड्राइट्स हैं ये एक साइड से भी निकल रहे होते हैं या फिर ये काफी साइडों से सेल बॉडी के ये डेंड्राइट्स निकल होते हैं। देयर इज ओनली वन लॉन्ग प्रोसेस दैट रिप्रेजेंट द एक्सॉन। कि इसमें एक बड़ा जो है प्रोसेस होता है, एक बड़ा हिस्सा होता है उसे, हाँ, जो एग्जाम को एग्जाम को जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और बाकी जो इसमें काफी साइडों से सेल बॉडी के काफी साइडों से डेंड्राइट्स निकल रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ द सीएनएस आर ऑफ दिस टाइप। के जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं वो अक्सर जो है वो मल्टीपोलर हैं, कि उनमें एक से ज्यादा डेंड्राइट्स जो हैं वो उसमें होते हैं। और इसकी एग्जांपल्स कौन सी है, कि ब्रेन्स के न्यूरॉन्स जो होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स इसकी एग्जांपल है, या ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं ये हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। और न्यूरॉन्स विदाउट एक्सॉन, एक्सॉन के बगैर न्यूरॉन्स होते हैं, अ फ्यू न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पोजेसेस डेंड्राइट्स बट नो एक्सॉन। ये कुछ इस तरह के भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं जिनके एक्सॉन नहीं होते। एक्सॉन ये जो लंबा हिस्सा होता है जो नर्व इंपल्स को आगे दूसरे फैक्टर सेल के तक ये पहुंचाता है या दूसरे सेल तक पहुंचाता है, इसे एक्सॉन कहते हैं। अब ये ऐसे भी न्यूरॉन्स होते हैं कि जो एक्सॉन के बिना होते हैं, जिनमें एक्सॉन नहीं होता। अ फ्यू न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पोजेसेस डेंड्राइट्स बट नो एक्सॉन। ये डेंड्राइट्स तो ये रखते हैं लेकिन एक्सॉन नहीं रखते। इन दीज सेल्स नर्वस कनेक्शन अकर इन एनी डायरेक्शन अलोंग देयर डेंड्राइट्स लाइक प्रोसेसेस। के इनमें डेंड्राइट्स के जरिए ही जो कनेक्शन है, नर्वस कनेक्शन है, वो डेंड्राइट्स के जरिए ही वो उसमें आगे चलती है। पहले जैसे हमने पढ़ा कि एग्जाम के जरिए जो नर्व इम्पल्स है वो चलती है सेल्स में, और डेंड्राइट्स जो हैं ये रिसेप्शन का काम कर रहे होते हैं। तो जिनमें ऐसे न्यूरॉन्स जिसमें एग्जाम नहीं होता उसमें नर्व इम्पल्स कैसे चलती है, इन डेंड्राइट्स की तरह ही ये जो इसमें से बाहर प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं उनके जरिए ही नर्व इंपल्स आगे चलती है। इनकी एग्जांपल है एमाक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना। एमाक्राइन रेटिना के जो एमाक्राइन सेल्स हैं उसकी ये उसमें ये पाए जाते हैं, या उस ये एग्जांपल एमाक्राइन जो सेल्स हैं ये
इन न्यूरॉन्स की एग्जांपल हैं जो बिना डेंड्राइट्स के, बिना एक्सॉन के होते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन की जो टाइप है वो फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि काम कैसे कर रहे होते हैं, तो दूसरे लफ्जों में के न्यूरॉन्स के काम करने के लिहाज से इनकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो काम करने के लिहाज से इसके दो ग्रुप बनाए जाते हैं न्यूरॉन्स के, एक है सेंसरी न्यूरॉन्स और दूसरे हैं मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स को हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, एफरेंट जैसा ये आप फर्स्ट लाइन में आप दे सकते हैं AFFERENT एफरेंट फाइबर्स या एफरेंट न्यूरॉन्स। सेंसरी की जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये सेंस करते हैं कि हमारे जो हमारी पेरिफेरी से हैं, हमारे आर्गन से ये सेंस करते हैं और सेंस करके ये इंपल्स जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाते हैं। इन सेंसरी न्यूरॉन्स को एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं या एफरेंट फाइबर्स भी कहते हैं। दीस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स रिसीव एफरेंट फाइबर रिस्पांसिबल फॉर द वेरियस सेंसेशंस, ये मोस्टली सेंसेशन के लिए काम करते हैं और सेंस करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इंपल्स देते हैं। इनकी एग्जाम्पल हैं जैसे पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट वगैरह, जो न्यूरॉन्स हमारे ये चीज़ें महसूस करते हैं, ये वो उनकी मिसालें हैं कि ये जो हमें पेन महसूस होता है या गर्मी सर्दी महसूस होती है या जो जिस चीज़ को हम छूते हैं या हमें कोई छूता है तो वो जो महसूस कर रहे होते हैं, इसी तरह लाइट की सेंसेशन है, साउंड है, स्मेल, टेस्ट, ये सारे जो हमारे सेंसेस हैं ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये एक अलहदा से ग्रुप बनाया गया है न्यूरॉन्स का जो सिर्फ सेंस का काम करते हैं, जिन्हें एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। दूसरा इसका फंक्शन के लिहाज से न्यूरॉन्स का जो ग्रुप है उन्हें हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं या एफरेंट न्यूरॉन्स भी हम कहते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये हमारे CNS से अफेक्टर जो ऑर्गन होता है उस तक ये इम्पल्स लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को जब लग जाता है तो हम जो एफरेंट जो सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्टिमुलाई हमारे ब्रेन को करते हैं, वो सेंस करते हैं उसको वहाँ से, और दिमाग हमारा उसे सेंस करता है कि किसी गर्म चीज़ को हाथ लग गया है, तो उसके मुकाबले में फिर वो जो ऑर्डर करता है कि अपना हाथ पीछे खींच लो, तो वो दोबारा जो सिग्नल भेजता है वो मोटर न्यूरॉन्स के जरिए भेजता है। यानी एक जो टाइप ऑफ सेल्स है वो न्यूरॉन्स उसमें सेंस कर रही होती है और दूसरा जो है CNS से वो ऑर्डर लेकर आ रही होती है बस की शक्ल में उस फैक्टर जहां उसने असर करना होता है। जैसे मैंने मिसाल दी कि हमारा हाथ गर्म चीज़ को लग जाए तो वो मोटर न्यूरॉन जो है वो उसे ये सेंस देते हैं, सिग्नल भेजते हैं दिमाग की तरफ से कि हाथ पीछे हटाओ, और इस तरह बंदा जब गर्म हाथ को चीज़ को छूता है तो फिर फोर वो हाथ पीछे होता है और ये सेकंडों में सेकेंडों के कुछ हिस्सों में ये काम जो है ये मुकम्मल होता है। दूसरा जी ग्रुप है मोटर न्यूरॉन्स और इफेक्टर EFFERENT न्यूरॉन्स भी इन्हें कहते हैं। दीज न्यूरॉन्स सेंड इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर व्हिच मे बी मसल्स और ग्लैंड्स। ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से हमारे एफेक्टर जो सेल्स होते हैं उन तक ये इंपल्स लेकर आ रहे होते हैं। तो ये इस तरह हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स आज कंप्लीट हुई।